सो गाइस, ये वाला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ स्नो सिटी इंदौर और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हम। तो हमने गूगल मैप पे डाला स्नो सिटी और गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये है स्नो सिटी। कितना गंदा कट चुका है हमारा, अब हम लोगों से पूछ पूछ के आएंगे स्नो सिटी, इसलिए गूगल मैप को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। ये अपना लड़का है, हाय लड़के, चलो तो हम स्नो सिटी पहुंच के ब्लॉग करते हैं। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ स्नो सिटी इंदौर और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, हम बाइक से पहुंचे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, राजबाड़ा से सीधे बिचोली मर्दाना के लिए बस चलती भी है। तो अंदर चलते हैं फटाफट और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अंदर की क्या क्या है। तो अपन अब चलने वाले हैं अंदर और एक्सप्लोर करने वाले हैं अंदर क्या क्या है। सो दोस्तों, ये गेम जोन है स्नो सिटी का, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप यहाँ पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि रेट लिस्ट है, बोलिंग के मंडे टू फ्राइडे लगते हैं 150 रुपये, सैटरडे टू संडे लगते हैं 200 रुपये, जिपलाइन 200 रुपये की, इनफ्लेट मतलब 30 मिनट 200 रुपये, 60 मिनट 350 और व्हील चेयर 360 200 रुपये चार्ज है यहाँ पे। और दोस्तों, स्नो सिटी का रेट है एडल्ट्स के लिए 700, चाइल्ड के लिए 500, टाइम स्लॉट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, 11 से 9 बजे तक है। सो दोस्तों, यार स्नो पार्क में आप खेल कूद के थक भी जाओ और अगर आपको भूख लगने लगे तो यार यहाँ पे एक बहुत मस्त सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। खाने पीने के हिसाब से हम तो कुछ नहीं खा पी रहे हैं बट हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप खा भी सकते हो, बढ़िया रेस्टोरेंट है खाने। सो यार, माहौल तो बहुत सही है, मतलब गेमिंग वेमिंग भी है, जिप राइड भी है और ऐसी दो तीन चीज़ें खाने पीने की भी है, बॉलिंग करने का भी है, तो माहौल मतलब इन लोगों ने सही जमा के रखा है। यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था स्नो सिटी का, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर -10 डिग्री में है ना ठंड का अनुभव करना हो आप आ सकते हैं शिमला मनाली, आने के आपके पैसे बच जाएंगे, लिटरली बोल रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है, ये कौन पीछे भगते हुए आ रहा है मेरी फ्रेम में, ओके चल भाग ले। तो हाँ, मैं कहाँ था, मैं यहाँ था कि भाई इस चिलचिलाती गर्मी से आपको बचना है तो ये उपाय भाई सबसे बेस्ट है। मैं आपको गूगल मैप पे इसका एड्रेस दे दूंगा, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ मैंने कह दिया है, सो ओके गाइज, इट्स टाइम टू से बाय बाय। अच्छा, इस ब्लॉग में कुछ मिसिंग था, मिसिंग क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और एम करते हैं 1000 लाइक के लिए। और मुझे पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, बाय बाय।